दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कभी कभी फाउंडर सोचते हैं कि आखिर इतने सारे फाउंडर को इतना इनकम दे कहां से पाएगा उन पैसे। दोस्त, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, एप्पल जैसी कंपनियां महीने का जितना इनकम करती है, अगर 14 लाख लोगों को वह बराबर बराबर बांट दे तो सभी लोग हर महीने मिलेनियर बनेंगे। आपको क्या लगता है, ऑन पैसिव इस लेवल पर नहीं जाएगा? सारे लेवल से आगे की प्लानिंग है इसकी। दोस्त, कोई भी कंपनी फेलियर होती है उसका मेन रीजन क्या होता है? क्या कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर गलत होते हैं? नहीं। तो क्या एजेंट या डायरेक्ट सेलर गलत होते हैं? नहीं। तो क्या इंप्लाई गलत होते हैं? नहीं। दोस्त, अगर कंपनी का MD, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईमानदार हो, उसकी सोच कंपनी एंड लोगों के बारे में अच्छी हो, उसकी नीयत साफ हो, तो फिर वह कंपनी कभी भी फेलियर नहीं हो सकती, उससे सफल होना ही होना है। कंपनी चल रही होती है, लोग अपने काम के अनुसार पे आउट भी ले रहे होते हैं, अचानक कंपनी कोई ऐसा जटिल सिस्टम क्रिएट कर देती है जिससे यहां काम करने वाले या इसके बिजनेस पार्टनर, एजेंट, जो भी बोलिए, शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि नए सिस्टम में काम बढ़ जाता है और पे आउट कम हो जाता है। MD का नियत साफ झलकने लगता है, और जब कंपनी ऑनर का ही नियत साफ नहीं रहेगा तो या तो वो इन्वेस्टमेंट लेकर कंपनी बंद कर लेगा या कुछ ऐसा सिस्टम ला देगा कि आपको खुद ही छोड़कर भागना पड़ेगा। वरना जिस कंपनी के पास इंप्लाई हो, ऑफिस हो, प्रोडक्ट हो, लाखों की कम्युनिटी हो और एक एक्सपर्ट, एक अनुभवी MD या CEO हो, उस कंपनी को या उसके लोगों को सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। दोस्त, ऑन पैसिव के साथ भी यही है। इसके पास अपने इंप्लाई, अपना खुद का ऑफिस, अपने प्रोडक्ट, लाखों की कम्युनिटी और एक काफी अनुभवी CEO जिसके अंदर लोगों की जिंदगी बदलने का जोश है, जुनून है और एक सही सोच है, एक बड़ा आइडिया है, नियत साफ दिख रहा है, अब इस कंपनी को दुनिया का नंबर 1 बनने से भला कौन रोक सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग कुछ ऐसे कंपनियों में पैसा लगाएं जो क्रिप्टो या फॉरेक्स या किसी और इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लेती है। ना इसका इंडिया में ऑफिस है कहीं, ना कोई इंप्लाई है इसका, ना हमेशा उसके MD या CEO वेबिनार लेते हैं। आज प्लान कुछ और है, कल कुछ और हो जाता है और फिर एक दिन वेबसाइट क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसके सारे ऑफिस, सारे इंप्लाई मोबाइल में ही हैं, स्मार्टफोन में ही हैं। अब इन्वेस्टर क्या करे, बिना किसी से कुछ कहे चुप रह जाता है। और ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है, इसी में कोई ठीक भी मिल जा रहा है, लेकिन ठीक और गलत को पहचानना मुश्किल है। दोस्त, क्या इंडिया में जितनी कंपनियां बंद हुई हैं या गायब हुई हैं, क्या इनके पास बिजनेस करने का इंडिया गवर्नमेंट का लाइसेंस या जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं था? सब कुछ था दोस्त, बस नहीं था तो उस कंपनी के CMD का नियत साफ नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के काफी पैसे फंस गए। हम सभी भाग्यशाली हैं दोस्त जो मिस्टर S जैसा CMD या CEO मिला है हमें, जो सिर्फ हमारी कामयाबी के बारे में सोच रहा है, दुनिया से गरीबी हटाने के बारे में सोच रहा है, ऑन पैसिव को नंबर 1 बनाने के बारे में सोच रहा है और 14.5 लाख लोगों को वर्ल्ड लेवल पे टॉप में लाने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्त, अभी तक इनके नियत को देखकर यही लग रहा है कि ऑन पैसिव को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं। इनके सोच को सैल्यूट है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके सोच को किसी की नजर ना लगे, ये बिल्कुल सही दिशा में चलते रहें और जो लाखों फाउंडर ने उनसे जोड़ लिया है अपने सपनों को, उसे पूरा करते रहें। और ऐसा होकर रहेगा दोस्त, क्योंकि लाखों लोगों की दुआएं हैं इनके साथ और CEO जब फिट रहेंगे तो फाउंडर्स भी हीट रहेंगे। CEO मिस्टर S खुद एक नेटवर्कर हैं, खुद एक मार्केटर हैं, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को आते जाते देखा होगा, लोगों के भरोसे को, विश्वास को जुड़ते और टूटते देखा होगा, उनको जुड़ते विश्वास की खुशी और टूटते भरोसे का दर्द पता होगा, उनको पता होगा कि किसी के सांसों के टूटने से भी अधिक दर्द भरोसा टूटने पर होता है। वे इस फील्ड के दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये लोगों के दर्द को महसूस करते हुए ही इस कॉन्सेप्ट का निर्माण किए हैं, जहां किसी का भरोसा नहीं टूटे, किसी का सपना नहीं टूटे, जहां सबको कामयाबी मिले, सभी सफल हों, सबके सपने पूरे हों। और इन सब के लिए हमें अब बहुत अधिक इंतजार भी नहीं करना है, जुलाई अगस्त में ही बहुत सारा कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा दोस्त, और हम धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ने लगेंगे। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।